तो हेलो गाइस, क्या चाल? उम्मीद आप लोग बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज की वीडियो में हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट। तो गाइस, ये सर्वाइवल सीरीज का एपिसोड 3, जिसने एपिसोड 2 और 1 नहीं देखा है जल्दी से करके देख लो। गाइस, आज की वीडियो मैं बनाने वाला हूं मोस्ट पावरफुल जायंट एक्सपी फार्म। और गाइस, ये वीडियो काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाली, इसलिए गाइस जिसने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो। अगर गाइस जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। गाइस, चलते स्टार्ट करते अपने सर्वाइवल सीरीज को। सबसे पहले मैं आप लोग एक चीज दिखाना चाहता हूँ, जो की गाइस मैंने उसको ऑफलाइन काम किया है। उससे पहले गाइस आप लोग ये चीज देख लो, गाइस मैंने इस फार्म को पार्ट 2 में बनाया था, इसलिए गाइस जिसने भी पार्ट 2 नहीं देखा है जल्दी जाकर के देख लो। और गाइस आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, गाइस ये मुर्गी इतने ज्यादा अंडे देती है, इसलिए गाइस मुझे यहाँ पर अलग से एक चेस्ट बना के अंडों को स्टोर करना पड़ेगा। और गाइस आप लोग सोच भी नहीं सकते, गाइस ये मुर्गी एक दिन में इतने ज्यादा अंडे भी दे सकती है। फिलहाल गाइस मैं आप लोगों को वो चीज दिखाई देता हूँ, जो कि गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, गाइस यहाँ पर मेरे एनिमल फार्म के बगल में ही है। तो गाइस ये देखो, गाइस इस फूड फार्म को गाइस मैंने इसको ऑफलाइन ही बनाया, जो कि गाइस आप लोग यहाँ पर देख ही सकते हो। और गाइस ये देखने में कितना ज्यादा अमेजिंग लग रहा है। गाइस मैंने इस फार्म में अलग अलग टाइप के बीज लगाए हैं, जो कि गाइस आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, ये बड़े भी हो गए हैं। और गाइस आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, गाइस मैंने यहाँ पर बीटरूट सीड को लगा दिया, और गाइस उसी के बगल में गाइस आप लोग यहाँ पर देख सकते हो पोटैटो को लगा दिया, और गाइस मैंने यहाँ पर कैरेट को लगा दिया, और गाइस उसी के बगल में गाइस आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, गाइस मैंने यहाँ पर सीड लगाया था, और गाइस ये वीट में बदल चुका है। गाइस इस फूड फार्म से गाइस यहाँ पर हमारी फूड की प्रॉब्लम तो दूर हो चुकी है। गाइस मैं आप लोगों को एक और चीज दिखा देता हूँ, जो कि गाइस यहाँ पर मेरा आयरन फार्म है, और गाइस उसमें कितने आयरन इकट्ठे हुए हैं, चलो गाइस मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो गाइस मैं आ गया हूँ अपने आयरन फार्म में, और गाइस यहाँ पर अभी मुझे सुनाई दे रहे हैं, गाइस यहाँ पर एक आयरन गोलम लावा में जल के मर रहा है। गाइस मैं अभी आप लोगों को दिखा देता हूँ, गाइस चेस्ट में अभी तक कितने आयरन स्टोर हुए। तो गाइस यार ये देखो, गाइस इस चेस्ट में अभी तक 3 स्टैक से भी ज्यादा आयरन कलेक्ट हो चुके हैं। कुछ आयरन को अपनी जेब में भी रख लेता हूँ, काम में आएंगे। गाइस अभी मैं आप लोगों को बहुत ही ज्यादा रेयर चीज दिखाने वाला, जो कि गाइस मुझे यहाँ पर केव में माइनिंग करते वक्त मिली थी, और गाइस वो रेयर चीज है गाइस पहाड़ के उस पर। तो गाइस जल्दी से मैं वहाँ पर चले जाता हूँ। तो गाइस मैं आ गया हूँ उस जगह पर, गाइस इसी केव के अंदर गाइस है वो रेयर सा चीज। तो गाइस जल्दी से मैं इस केव के अंदर जाता हूँ, और गाइस आप लोगों को दिखाता हूँ वो रेयर सा चीज। तो गाइस आप लोगों को ये चीज थोड़ा थोड़ा सा नजर आ ही रहा होगा। तो चलो गाइस मैं आप लोगों को अंदर जाकर दिखा देता हूँ, गाइस ये कैसा दिखता है, और गाइस ये कौन सा स्ट्रक्चर है। तो गाइस यार ये देखो, गाइस मैं इसी रेयर स्ट्रक्चर की बात कर रहा था। गाइस आप लोग मुझे कमेंट कर जरूर बताना, गाइस आखिर में ये चीज रेयर होता है या फिर नहीं। और गाइस मैंने इस चीज को गाइस माइनक्राफ्ट में 2-3 बार ही देखा है, और गाइस इस ब्लॉक पर चलने पर काफी अमेजिंग सा साउंड आता है, जो कि गाइस मैं आप लोगों को सुना देता हूँ। तो गाइस आप लोगों ने इस साउंड को सुन ही लिया होगा, जो कि गाइस सुनने में कितना ज्यादा सेटिस्फाइंग लग रहा है। और गाइस इस बड़ी सी केव में गाइस यहाँ पर बहुत सारे रिसोर्सेस है, जल्दी से मैं उन सारे के सारे रिसोर्सेस को लपेट लेता हूँ। तो गाइस यहाँ पर बहुत सारे रिसोर्स कलेक्ट करते करते गाइस यहाँ पर रात हो जाती है, इसलिए गाइस मैं जल्दी से अपने बेस पर जाता हूँ और जाके सो जाता हूँ। The next day. तो गाइस अब मैं जाऊंगा यहाँ पर बहुत सारे वुड को इकट्ठा करने के लिए, क्योंकि गाइस अब मैं बनाऊंगा जाइंट मॉब एक्सपी फार्म, जिसमें कि गाइस बहुत सारे वुड लगने वाले हैं। तो गाइस जल्दी से मैं इस चेस्ट से वुड ले लेता हूँ, और गाइस यहाँ पर जल्दी से मैं 2x को क्राफ्ट कर लेता हूँ। तो चलो गाइस अब चलते हैं बहुत सारे वुड को इकट्ठा करने के लिए। तो गाइस जैसे मैं वुड को लेने के लिए बाहर आया, तभी गाइस यहाँ पर बारिश होने लगती है। गाइस मेरा यहाँ पर बारिश में काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं था, इसलिए गाइस मैं अपने घर की ओर जा रहा होता, और गाइस यहाँ पर रात भी होने लगती है, इसलिए गाइस आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, गाइस मेरे बगल में ज़ॉम्बीज वगैरह स्पॉन होना शुरू हो चुके हैं। और गाइस पता नहीं मेरे शरीर के अंदर क्या खलबली मची, जो कि गाइस घर जाने के बजाय मैं इस ज़ॉम्बी को मारने लगता हूं। और गाइस इस ज़ॉम्बी को मारने के बाद गाइस मैं देखता हूं, गाइस बेबी ज़ॉम्बी मेरे बोर्ड पे बैठा हुआ है। फिर गाइस मैं इस बेबी ज़ॉम्बी को मारने लगता हूं, गाइस तभी मुझे यहां पर क्रीपर का साउंड आने लगता है। फिर गाइस मैं यहां पर जैसे ही पीछे मुड़कर देखता हूं, गाइस ये क्रीपर फट चुका था। गाइस मुझे इस क्रीपर पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा है, लेकिन गाइस कर भी क्या सकते हैं। गाइस मेरी इन्वेंटरी में काफी ज्यादा सामान था, चलो गाइस मैं उसको जल्दी से जाकर के ले लेता। और गाइस जैसे ही मैं अपना सामान लेने के लिए बाहर गया, गाइस मैंने यहाँ पर देखा, यहाँ पर तो मॉब पार्टी चल रही है। फिर उसके बाद गाइस मैं जल्दी से भागता भागता अपने घर गया, और गाइस घर जाकर के सो गया। फिर उसके बाद गाइस मैं जल्दी से भागता भागता गया, गाइस मैं अपने सारे सामान को कलेक्ट किया, गाइस जितना भी आर्मर था उन सबको गाइस मैंने पहन लिया। उसके बाद गाइस मेरे पास जितने भी टूल्स थे उन सबको गाइस मैं अपनी आगे वाली इन्वेंटरी में ले लिया। उसके बाद गाइस मैं यहाँ पर चला गया बहुत सारे वुड को तोड़ने के लिए। जब तक गाइस मैं यहाँ पर बहुत सारे वुड को तोड़ रहा हूँ, तब तक गाइस आप लोग छोटा सा टाइम लैप्स को एंजॉय करो। गाइस यहाँ पर बहुत सारे वुड तोड़ते तोड़ते गाइस मुझे यहाँ पर एक वुल्फ मिल जाता है, और गाइस ये वुल्फ मेरे वर्ल्ड का पहला पार्टनर है, क्योंकि गाइस अब ये वुल्फ मेरा दोस्त बनने वाला है। और गाइस मेरी इन्वेंटरी में एक भी बोन नहीं है, जिससे कि गाइस ये टेम हो सकता है। तो चलो गाइस मैं जल्दी से घर से कुछ बोन को ले आता हूँ। तो गाइस मैंने अपने घर से कुछ बोन को ले आया, तो गाइस ये रहा हमारा डॉगी। तो चलो गाइस मैं जिसको जल्दी से टेम कर लेता हूँ। तो चलो गाइस अब इस डॉगी को टेम करना स्टार्ट करते हैं। अब यार गाइस ये अभी तक 2 हड्डी खा चुका, अभी तक टेम ही नहीं हो रहा। ओके गाइस ये टेम हो चुका है, गाइस ये डॉगी 5 हड्डी खाने के बाद अब जाकर गाइस ये टेम हो चुका है। गाइस आप लोग मुझे कमेंट करके बताना, गाइस मैं इस डॉगी का क्या नाम रखूं, इसका भी नाम गाइस मुझे अच्छा लगा, गाइस मैं वही नाम रख दूंगा इस डॉगी। फिलहाल गाइस मैं यहाँ पर थोड़ा और वुड तोड़ लेता हूँ, क्योंकि गाइस मुझे यहाँ पर जाइंट मॉब एक्सपी फार्म बनाना है।
गाइस यहाँ पर बहुत सारे वुड को काटने के बाद गाइस मेरे पास इतना वुड हो जाते हैं जिससे कि गाइस मैं यहाँ पर जाइंट मॉब एक्सपी फार्म बना सकूं। उसके बाद गाइस मैं यहाँ पर भागता भागता अपने घर चला जाता हूँ। उसके बाद गाइस यहाँ पर जो भी एक्सपी फार्म बनाने में जो भी गाइस रिसोर्सेज लगने वाले उसको गाइस मैं इस वाले बैरल के अंदर स्टोर कर देता हूं। गाइस यहाँ पर एक्सपी फार्म बनाने के लिए गाइस यहाँ पर जो भी आइटम लगने वाले हैं जैसे गाइस यहाँ पर चेस्ट हो गया, हॉपर हो गया, उन सारे आइटम को गाइस मैं यहाँ पर क्राफ्ट कर लेता हूँ। तो गाइस अब मैं यहाँ पर बिल्कुल रेडी हूँ गाइस यहाँ पर जाइंट मॉब एक्सपी फार्म बनाने के लिए। गाइस मैंने यहाँ पर सारे रिसोर्सेज कलेक्ट कर लिए। और अगर गाइस आप लोग मेरी वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो इसका मतलब गाइस आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है। इसलिए गाइस जिसने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं, जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो। और गाइस चैनल पे न्यू या पहली बार है तो गाइस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और गाइस एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना। फिर गाइस यहाँ पर रात होने लगती है इसलिए गाइस मैं जल्दी से करके सो जाता हूँ। The next day. सुबह उठने के बाद गाइस मेरे पास जो भी आइटम था जो कि गाइस अभी काम में आने वाले नहीं थे उन सबको गाइस मैं अपने एक चेस्ट में स्टोर कर देता हूँ। उसके बाद गाइस मैंने जो भी आइटम इस वाले बैरल के अंदर रखे थे उन सबको गाइस मैं अपनी इन्वेंटरी के अंदर ले लेता हूँ। उसके बाद गाइस मैं आ जाता हूँ अपने घर के पीछे। तो गाइस अब मैं यहीं पे बनाऊंगा अपना जाइंट एक्सपी फार्म। और गाइस तभी एक क्रीपर आ जाता है पीछे से मेरा स्वागत करने के लिए। लो हो गया स्वागत। तो गाइस अब मैं यहीं पर अपना जाइंट मॉब एक्सपी फार्म बनाने वाला हूं। सबसे पहले गाइस मैं इस जगह को पूरा क्लियर कर देता हूं। ओके तो गाइस अब ये जगह सही लग रहा है देखने में। तो चलो गाइस अब स्टार्ट करते हैं अपना जाइंट मॉब एक्सपी फार्म बनाना। तब तक गाइस आप लोग एंजॉय करो टाइम लैप्स। और हां गाइस वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो क्लिप डाउन हो जाती है। सो या एंजॉय द टाइम लैप्स। तो गाइस यहाँ पर हमारा आधा एक्सपी फार्म बनके कंप्लीट हो चुका है। और गाइस इसके ऊपर मुझे एक और लेयर बनाना है कुछ इस तरीके से। तो गाइस जल्दी से मैं सबसे पहले इसको भी कंप्लीट कर लेता हूँ। तो गाइस यहाँ पर हमारा जाइंट मॉब एक्सपी फार्म बनके कंप्लीट हो चुका है। और गाइस ये जाइंट एक्सपी फार्म बस सिर्फ दो लेयर का ही है। गाइस इन फ्यूचर मैं इस एक्सपी फार्म को तीन चार लेयर का बना दूंगा। फिलहाल गाइस मेरे पास जितने भी वुड थे मैंने बस सिर्फ उतने ही वुड से बनाया। और गाइस मैं इसके ऊपर थोड़े टॉर्चेस भी लगा देता हूँ जिससे कि गाइस मॉब इसके ऊपर स्पॉन ना हो। इसके बाद गाइस मैं यहाँ से नीचे आता हूँ और गाइस जाकर के देखता हूँ गाइस यहाँ पर मेरा एक्सपी फार्म नीचे से कैसा दिखता है। गाइस तभी यहाँ पर नीचे में दो स्केलेटन मेरे स्वागत के लिए खड़े थे। लो ये खुद अपने से ही मर गया। फिर गाइस यहाँ पर बारिश होने लगती है। और गाइस जैसा कि आपको पता है गाइस मेरा बारिश में बिल्कुल भी काम करने का मन नहीं करता, इसलिए गाइस मैं जल्दी से घर जाकर के सो गया। The next day. फिर गाइस मैं जल्दी से अपने एक्सपी फार्म पर गया। और गाइस वहाँ पर दो मिनट खड़े रहने पर गाइस यहाँ पर बहुत सारे मॉब आना शुरू हो गए थे। फिर गाइस मैंने यहाँ पर कुछ मॉब्स को मार कर गाइस यहाँ पर थोड़ी एक्सपी कलेक्ट कर ली। और गाइस आप लोग मेरा एक्सपी फार्म नीचे देख लो गाइस ये कैसा दिखता है। तो गाइस यार बस यही था आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को भी लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।